हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्टर चेकलिस्ट ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स। अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो ऑसिलेशन एंड वेव्स जेई एडवांस का लीस्ट वेटेज का सेक्शन माना जाता है और सबसे कम क्वेश्चन इस सेक्शन में से आते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो भी एक या दो क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, डिस्पाइट द सेक्शन इज क्वाइट बिगर, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो खटाक से इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते हैं और आपके मार्क्स पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं। इसलिए अगर आपने थोड़ा भी ऑसिलेशन और वेव्स को प्रिपेयर किया है तो इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बूस्टर चेकलिस्ट छोटी सी होगी लेकिन लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ, आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने सिस्टमैटिकली इन चीजों को देख लिया, और सर्टेनली हमारी जेई मेन चेकलिस्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जेई मेन चेकलिस्ट को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ जेई मेन। दैट्स नॉट ट्रू। जेई मेन चेकलिस्ट में आप जो कुछ भी करते हैं वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट कर देती है। और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बूस्टर चेकलिस्ट, आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व योर ब्रेन, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं बूस्टर चेकलिस्ट में मैं पूरा सिलेबस कवर नहीं करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग की थिंकिंग एनहांस हो सके। जितने भी केसेस और एप्लीकेशन मैं बूस्टर चेकलिस्ट में लूंगा, उन केसेस के साथ आपका दिमाग इस टॉपिक में इतना ओपन हो जाए कि आप किसी भी नए तरह के केस को डायरेक्ट अटैक कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं बूस्टर चेकलिस्ट ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स। थैंक यू भाजी। स्टूडेंट्स, बूस्टर चेकलिस्ट फॉर ऑसिलेशन एंड वेव्स में चार मेजर टॉपिक्स हैं व्हिच वी नीड टू पिक अप। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड हम कवर करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं, फिर ही हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात करेंगे। तो वेव्स को मैंने सेपरेट चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ऑल्दो आप फिजिक्स गैलेक्सी टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो हर जगह आपको वेव मोशन पहले एक चैप्टर मिलेगा, बट दैट इज अ वेरी जनरिक चैप्टर दैट गिव्स यू द फाउंडेशन बिल्डिंग ऑफ वेव्स। सो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरफेरेंस की स्टडी करने से पहले आपको बेसिक वेव्स का आइडिया होगा, तो उस पर जिस वैरायटी के क्वेश्चंस जी एडवांस लेवल पे आ सकते हैं ऑल दोस आई एम गोइंग टू टेक अप। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का ही फर्दर एनहांस्ड एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स, दैट विल टेक। एंड लास्ट इज द डॉपलर इफेक्ट। इन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। और जी एडवांस की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी टॉपिक से आते हैं तो एसएचएम और वेव्स टॉपिक का रहता है। कुछ पर्टिकुलर ईयर्स ऐसे गए हैं जहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा था और कभी भी इंक्रीज भी हो सकता है, बट काफ़ी सालों से सस्टेन रहता है। कभी तीन चार साल में एक बार थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बट स्टिल वी नीड टू प्रिपेयर बिकॉज द क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू द सेक्शंस आर डैम इजी, यू कैन कंफर्टेबली बी एबल टू मैनेज। सो आई विल बी टेकिंग अप लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन द सेक्शन। स्टे ट्यून्ड की एक सिंगल वन शॉट चेकलिस्ट वीडियो से आपको पूरा सिंपल हार्मोनिक वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के सेक्शन का जी एडवांस लेवल पे रिव्यू हो सके। बट दिस अगेन आई एम टेलिंग नॉट अ कंप्लीट रिविजन, इट इज़ एन आइडिया अबाउट एनहांसिंग योर ब्रेन टू थिंक एंड एबल टू अटैक ऑन न्यू एंड न्यूअर क्वेश्चन विच एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन जी एडवांस। आइए आगे बढ़ते हैं पोजी। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे अपने वीडियो का सैचुरेशन थोड़ा डाउन कर दिया सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन व्हाट आई एम राइटिंग एंड फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज मेरी वॉइस है आपके पास। वीडियो अगर लो सैचुरेशन भी है तो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। सो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी आर टेकिंग अप, दैट इज केसेज ऑफ टाइम एनालिसिस इन एसएचएम। अगर हम एसएचएम की बात करें तो ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ, मैं मान के चल रहा हूँ आपने हमारे पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोस पढ़े हैं या बेसिक थ्योरी ऑफ एसएचएम कहीं ना कहीं से अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। और एसएचएम की हम बात करें तो एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा, विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इस ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। मतलब एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो एंगुलर स्पीड है जिससे अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका अगर ये वाई वाई डैश डायमीटर पर प्रोजेक्शन लिया जाए तो दैट प्रोजेक्शन विल एग्जीक्यूट एसएचएम एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नाउ इन दिस केस अगर इस पार्टिकल की बात करें, अल्फा इज द इनिशियल फेज, मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से अल्फा एंगुलर पोजिशन पे था, दिस वॉज टी इक्वल टू जीरो एंड द पार्टिकल विच इज एन एसएचएम इज दिस पी। If A is the particle which is executing circular motion, then P is its projection on vertical diameter. Its projection ka jo position hai y, this is given by this expression. अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस का आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितनी देर में जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल टाइम एनालिसिस ऑफ एसएचएम। जैसे बिल्कुल एलिमेंट्री एप्लीकेशन लेते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल,
एक पार्टिकल SHM कर रहा है, दिस इट्स मीन पोजीशन, दिस प्लस ए, दिस माइनस ए. तो इन दिस केस अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट ओरिजिन O. अब क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है कि ये t इक्वल टू जीरो पे अपनी मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे है, और अब ये पूछा गया है कि ये इस पोजीशन x1 से, ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है विच इज द एम्पलीट्यूड पोजीशन से, दिस पोजीशन इज m. तो क्वेश्चन में हमें निकालना है कि यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा. आप चाहें तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली प्रेफर एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग और टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जेई एडवांस में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा. तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल करने के लिए आप टाइम एनालिसिस जो करेंगे वो फेज से करेंगे. कैसे करेंगे? आप इसका इक्विवेलेंट सर्किल ड्रॉ कर लीजिए. अपनी मेन पोजीशन से अभी x1 डिस्टेंस पे है और हमको ये निकालना है x1 से एक्सट्रीम तक कितनी देर में पहुंचेगा. तो उसके लिए आप देखिए, इसका p पार्टिकल का जो ओरिजिनल पार्टिकल है a, वो यहां से मूव करता हुआ यहां आएगा. नाउ इन दिस केस यू जस्ट सी वाई व्हाट एंगल थीटा इट हैज ट्रावर्स्ड. सो थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं. थीटा एंगल कैन बी गिवन एज दिस इज a माइनस x1 एंड दिस इज a, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्किल इज द एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स वन बाई ए. जस्ट चेक व्हेन दिस पार्टिकल ए ट्रावर्सेस बाय एन एंगल दिस थीटा, सो ये प्रोजेक्शन पी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. तो थीटा जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ मोशन वी कैन राइट सिंपली एज थीटा बाई ओमेगा. सो दिस वन बाई ओमेगा कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स वन बाई ए. That's the answer to this question. So a very simple question I have taken up to explain how time calculation can be done. आप इस equation से भी जब analyze करेंगे, y को पहले x1 डाल दीजिए, time t1 निकाल लीजिए, y को फिर a डाल के time t2 निकाल लीजिए, और इन दोनों को subtract कर दीजिए, relation यही आएगा. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो phase variation यानी जो angular displacement होता है particle का, जिसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है, इससे अगर आप टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीजें कई बार ओरली होने लगेंगी. और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पर्टिकुलरली JEE एडवांस में आते हैं, वहां पे आपको इवॉल्व थिंकिंग चाहिए. तो इक्वेशन से सॉल्व करना एलिमेंट्री JEE मेन लेवल की चीज कह सकते हो, फेस से सॉल्व करना आप JEE एडवांस लेवल पे आपकी इवॉल्व थिंकिंग कह सकते हो. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. एक केस और देखते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री, एक सिंपल पेंडुलम का ले लेते हैं. सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम. नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज कि इस पेंडुलम को हमने बाय एन एंगल फाई वन टिल्ट किया और इसको वी वन वेलोसिटी से थ्रो कर दिया. और अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक इन रीचिंग द अदर एक्सट्रीम पोजीशन. इसकी जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी, अगर टी इक्वल टू जीरो पे थ्रो किया है तो किस टाइम पे अपनी दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ये टाइम निकालना. All of you know well कि जो mean position है वहां से extreme position तक जाने में जो time होता है, this time we know it is t by 4, 1/4 of the time period होता है, ये तो सबको पता ही है कि total 1/4 of the time period is from either mean to extreme or extreme to mean. अब अगर हम किसी तरीके से initial position, अगर ये position हम यहाँ पे n मान के चलते हैं, तो n से o तक आने का time निकल के t by 4 में add कर देते हैं, तो we are going to get the answer. How will calculate? उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर पार्टिकल इज मूविंग से स्ट्रिंग लेंथ इज एल, ये जो एक्स वन डिस्टेंस है, दिस एक्स वन कैन बी रिटन एज एल फाइव वन, बिकॉज दिस एल इफ एंगल इज फाइव वन सो दिस एल फाइव वन. से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए, एम्पलीट्यूड कैन बी इजिली कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज इन SHM ऑल ऑफ यू नो वी इज गिवन एज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आई कैन पुट वी एज वी वन इज इक्वल्स टू ओमेगा. सिंपल पेंडुलम की ओमेगा होती है रूट ऑफ जी बाई एल, दैट ऑल ऑफ यू नो. फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज ऑसिलेशंस, SHM की बात हो रही है. सो हियर वी आर टेकिंग स्मॉल ऑसिलेशंस, सो वी वन इज रूट ऑफ जी बाई एल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फाई वन स्क्वायर, बिकॉज एक्स इज एल फाइव. फ्रॉम दिस रिलेशन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए. एम्पलीट्यूड निकल जाएगा. अब एम्पलीट्यूड निकल गया तो टाइम कैलकुलेशन कैन बी इजिली डन. वॉट वी आर रिक्वायर टू कैलकुलेट, ये मीन पोजिशन है. मीन पोजिशन से एक्स वन डिस्टेंस पीछे, दिस इज द पॉइंट एन,
the particle is thrown toward origin, that means इसका original particle A हम यहाँ पे लेंगे, left में नहीं लेंगे क्योंकि left में लेंगे तो reference motion हम anti-clockwise लेके चलते हैं. अगर particle left में लिया तो इधर move करेगा तो N would be moving away from mean position, it is going toward extreme position. So इस case में A we are going to take over here. If this angle is taken as theta, you can easily calculate what the value of theta is. Theta can be simply written as the sine inverse of x1 by a. So, yahan se mean position tak aane ka time humko nikalna. So, this time if this period n se leke yahan tak aane ka jo time hai, ye agar delta t hai, to directly delta t I can write as theta by omega. So, this root of L by G multiplied by sine inverse of x1 by A. We are having the value of x1, we are having the value of A. So, value dal denge L phi 1 by A. Ye delta T hai aur is question ka answer kya hoga hamare paas? This will be T is equals to, ye wala jo time hai, isko T naught likh dete hai. So, T naught is equals to T by 4. T is 2 pi root L by G. So, this is pi by 2 root of L by G. Plus delta t is root of L by g times sine inverse of L phi 1 by a. That is the answer to this question. This is the way time analysis is done. Or I am very sure agar aapko ye dono case samajh mein aa gaye, aap hamare advanced illustration mein wo cases dekh sakte hain. Concept video mein there are variety of examples I have taken on time analysis. This helps you in overall understanding and building ki kisi bhi simple harmonic motion mein chahe wo a simple pendulum ho, spring block oscillation ho, ya general system ho, time calculation aap agar circular motion se karte hain, to this will always save your time in examination kyunki kai tarah ki variety ke cases aa sakte hain. Aaiye aage badhte hain next point pe. Thank you Bhoji. So student, one more typical category of time analysis cases I am taking, time analysis of spring block oscillations. Phenomena is same. Agar hamare paas ek spring block system given hai, for the case of a spring block system of mass m and force constant k, if it is oscillating, we know well for simple harmonic motion here the value of omega is given as root of k by m, or time period of that 2 pi by omega, this is 2 pi root of m by k. This all of you know. Derivations I'm already concept videos mein kar chuke hain. In this case, if different type of questions are framed like this, aap ye dekhiye ek example le raha hu main. Aisa question hamare samne hai. There is a spring block system in equilibrium. This is equilibrium position. Or yahan se at a depth A, there is a floor. This is elastic floor. What the question says ki hum is block ko upar lift karte hain by a distance phi A by 4, yani A se zyada. Aur fir is point se hum isko rest se release kar dete hain. This is release from rest. Agar hum isko rest se release kar dete hain, then what happens? Niche jayega. Agar humne isko mean position se, equilibrium position se 5a 5 4 position pe choda hai, to obviously it has a tendency to go below equilibrium position by distance 5a by 4. Lekin a distance pe hi ye block yahan collide karega with some velocity, usi velocity se return karega aur fir upar jayega. Aur kyunki velocity of return is same as that of colliding velocity, to ye jo aage wala motion hai na a by 4 wala, you can see this, kyunki isko jana to 5a by 4 tha aur agar ye 5a by 4 bhi jaake aata to is point pe velocity wahi hoti. That means oscillation will remain same, only this part of oscillation is skipped. Ye wala portion skip ho chuka hai. Kyunki jaake aata agar ye floor nahi hota to bhi yahan pe return v se hota, aur elastic floor hai to v se hi return hua, to upar wala motion will remain unaffected lekin ye part skip ho jaye. Question mein pucha gaya hai humse, find, isi question mein example mein question hai, find time period of SHM of block. Is block ke SHM ka humko time period calculate karna hai. If we wish to calculate the time period of this SHM, we can very easily calculate. Total time period mein se bas ye A by 4 wale portion ka time humko skip karna hai. Total time period hota 2 pi root m by k, isme se is portion ka minus kar do, to upar wala oscillation ya SHM to unaffected raha. So hum ye keh sakte hain, we draw a circular motion over here which is executing its SHM at an angular frequency omega. Amplitude is A. Sorry, amplitude here is 5A by 4. Now,
अपनी मीन पोजीशन ओ से ए डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ए बाई फोर बिकॉज एम्पलीट्यूड इज फाइव ए बाई फोर. तो हम यहां से ये जाना और वापस आना, ध्यान से देखो, ए बाई फोर जाना और ए बाई फोर आना, ये टाइम कैलकुलेट कर लें और इस टाइम को इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ ओमेगा वी आर यूजिंग रूट ऑफ के बाई एम ओनली. सो यहाँ पे आप देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका पार्टिकल ए यहाँ होगा और जब नीचे आ रहा है तो पार्टिकल ए यहाँ होगा एंड इट इज रिवॉल्विंग एट ओमेगा. इसके अलावा जो मोशन है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड. सो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ जाने में जो एंगल ट्रावर्स होगा वो होगा थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा यू कैन डायरेक्टली राइट दिस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ए अपॉन फाइव ए बाई फोर. जस्ट चेक इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट. दिस इज ए, दिस इज द एम्पलीट्यूड आर विच इज फाइव ए बाई फोर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. सो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई आर और डबल करेंगे इसको. सो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डेल्टा टी टाइम है दिस डेल्टा टी कैन बी रिटन एज थीटा बाई ओमेगा. सो दिस इज थीटा इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई कॉस इनवर्स ऑफ फोर बाई फाइव. सो एज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा तो इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टू पाई रूट ऑफ एम बाई के माइनस टू रूट ऑफ एम बाई के बाई मिस्टेक रिटन k by m, this 2 root of m by k times cos inverse of 4 by 5. So this is the answer to this question. So my dear students, jitne bhi question time analysis ke honge, wo aap easily circular motion se handle kar sakte hain. Variety of question aap Physics Galaxy book mein se refer kar sakte hain, advanced illustration mein se dekh sakte hain, ya concept video se dekh sakte hain. There are variety of questions already available. So I want you to go through the time analysis as much as possible. Questions बहुत कम आए हैं लेकिन इसके ऊपर कई variety के questions develop हो जाते हैं और आने वाले सालों में पूछे जा सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. Thank you, Boji. Students, next category of problems will talk about superposition of SHM. जब दो या दो से ज़्यादा SHM एक दूसरे पे सुपरपोज होती है तो देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सिचुएशंस जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं. यहाँ पे हम दो कैटेगरीज की बात करेंगे, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिशन और दूसरा हम बात करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिशन. सेम फ्रीक्वेंसी में मेनली वी टॉक अबाउट कोहेरेंस. अगर कुछ गिवन नहीं भी है तो कोहेरेंस मान के चलेंगे. कोहेरेंस का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है और इनिशियल फेज डिफरेंस थ्रू आउट सुपरपोजिशन फिनोमेना इट रिमेन्स सेम. डिटेल में सुपरपोजिशन का जो एप्लीकेशन है हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स स्टेशनरी वेव्स उसमें पढ़ेंगे, अभी हम वहाँ पे भी पहुँचते हैं. पहले लेट अस फर्स्ट कंक्लूड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो जब हम सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है इट इज गिवन एज वाई वन प्लस वाई टू प्लस एंड सो ऑन. और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वेक्टर ले लेंगे, बट प्रैक्टिकली डिफरेंट डायरेक्शंस के सुपरपोजिशन जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेशंस के सुपरपोजिशन ही आते हैं या जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रेजेक्ट्री बेस्ड डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे. अब इस सिचुएशन में अगर सेम फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स जो SHM कर रहे हैं वो एक पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल के ऊपर दो SHM फिनोमेना सुपरपोज होते हैं तो इन दैट केस व्हाट वी डू, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो एम्पलीट्यूड हैं वो वेक्टर्स हैं और जो फेजेस हैं इनिशियल फेजेस ये हम मान के चलेंगे दीज आर एंगल बिटवीन वैक्टर्स और इन दोनों को यूज करके हम वेक्टर रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं और जो वेक्टर रिजल्टेंट कैलकुलेट होता है वो रिजल्टिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारी रिजल्टिंग SHM का एम्पलीट्यूड माना जाएगा और इसका जो फेज निकल के आएगा वो रिजल्टिंग SHM का फेज होगा. आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल विच विल एक्सप्लेन. बहुत एलिमेंट्री केस है लेकिन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट बेसिक लेवल पर भी SHM में चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. सो वैक्टर रिजल्टेंट की जगह अगर एक SHM है वाई वन इज इक्व टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी और y2 दिया हुआ है a2 sin of omega t plus alpha. तो alpha is the phase difference between these two SHMs. अगर यहाँ plus alpha 1 plus alpha 2 है तो आप alpha 2 minus alpha 1 को phase difference मान सकते हो इनको. So initial phases और इनके difference की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. So जब a1 a2 को vector मान लेंगे और alpha को बीच का angle मान लेंगे तो जो r होगा resultant that can be written as a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos alpha, इसका रूट आ जाएगा.
Now, if this is the resulting vector, so here we can state in this situation, agar ye resulting vector hai, toh iska jo phase angle hoga phi, that will be taken as tan inverse of this A2 sine alpha divided by A1 plus A2 cos alpha. This is what we are going to use. So, अब जो resulting SHM होगी, यानी एक particle पे दोनों SHM superpose हुई, तो resulting SHM will be written as R sine of omega t plus phi. This is the equation of resulting SHM, या वो particle जिस पे दोनों SHM superpose होते हैं, उसका resulting SHM equation ये होगा. That is what you need to keep in mind. और यही चीज काम आएगी अभी इंटरफेरेंस में, जहां पे कि कोहेरेंट वेव सुपरपोज करती है, तो कोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन आप ये मान के चलें वो सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिशन ही है और कोई फर्क नहीं है, बोथ आर एग्जैक्टली वन एंड सेम थे. अब जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो यहां पे आपको सिंपली ध्यान रखना है, हियर वी एनालाइज ऑर्डर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स in equation of oscillation. That's the only thing you need to keep in mind. Agar aapke samne koi equation di hui hai, y is equals to a sine square omega 1t cos of omega 2t kind of equation is there. Ab aap ye poochhein ki is situation mein kitni frequency superpose ho rahi hai. Ab yahan aap dekhiye, there are three trigonometric terms, two order pe sine omega 1t aur ek order pe cos omega 2t hai. So, मैं इसको अगर ओपन करना शुरू करूंगा, तो I can write it like this, a sin square omega 1t, how you can write it in form of singular form without using square. So, this become 1 minus cos of 2 omega 1t divided by 2 multiplied by cos of omega 2t, ये लिख देंगे. Further, if you open up, this becomes a by 2 cos of omega 2t minus a by 2 cos of omega 2t multiplied by cos of 2 omega 1t. आप ध्यान से देखें, एक SHM तो ये अलग हुई गई, y is equals to y1 plus दूसरी term ये. अब इसको भी आप split करोगे, तो एक frequency आएगी omega 2 plus 2 omega 1 और एक frequency हमारे पास आएगी omega 2 minus 2 omega 1. These are the two frequencies we are going to get if you split this term. Now important thing over here, अगर इस term को split करोगे तो ये दो frequencies split हो जाएंगी, तो total 1, 2 और 3, तीन frequencies का superposition यहाँ पे. तो जो मैंने यहाँ लिखा है, this also you need to understand, we analyze order of trigonometric terms in equation of oscillation. यहाँ पे sine square और cos, मतलब तीन हमारे पास product हैं trigonometric terms के, तो there are 1, 2 and 3, three frequencies involved. So, jitni trigonometric terms hongi, in general wo hoga, lekin phir bhi precise level yehi rata hai ki jitne bhi trigonometric terms hain, aap isko kholte jaiye aur finally dekhiye ki hamari kitni trigonometric terms ka linear SHM ka superposition nikal ke aata hai, wo kaam ki cheez hai. This won't be much used elementary level pe, iska use beats ke analysis mein hoga, jo hum aage aane wale kuch slides mein dekhenge, but aapko ye cheez achhi tarah se dimag mein rakhni hai कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो इसी लॉजिक के ऊपर आएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं केसेस ऑफ लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं जेई मेन लेवल पे, अगर आप बात करेंगे तो सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लीनियर एसएचएम के अंदर वी एनालाइज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो फोर्स बन जाता है माइनस के एक्स. और एंगुलर एसएचएम के केसेस आते हैं, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क, वी राइट इट एज माइनस सी थीटा. सो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन होता है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हियर वी कैन सी, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस सी बाई आई थीटा. टॉर्क हमने लिखा, आई अल्फा फोर्स लिखा है हमें. अब एक्सेलरेशन वी कैन कंपेयर विद जो जनरल इक्वेशन होती है, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो दिस गिव्स ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम. और एंगुलर एक्सेलरेशन में वी राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, so here we get the value of omega is equals to root of c by I. So most of the cases, or almost in every case I can say, using this logic you will be able to analyze and solve the questions. Kuch cases main le leta hu that will help you in understanding the base parameter for linear and angular system.
अल्टीमेटली स्टेप्स यही होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, कंपेयर किया और सॉल्व हो गया। बट ये चीज़ तो सबको पता है, अप्लाई करने में कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस समझना जरूरी है, क्योंकि जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जेई एडवांस में हमेशा क्वेश्चन या तो इनडायरेक्ट आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे आते हैं। हैव अ लुक ऑन सच केसेस, लाइक मैं यहीं ले लेता हूँ, बिल्कुल पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और एंगुलर से स्टार्ट करते हैं। एक वॉल पे वी कैन से देयर इज अ रॉड of mass m and length l, it is pivoted. और ceiling से here we can say कि एक spring connected है और इस rod के end से जुड़ा है, it has a force constant k. और question में दिया हुआ है at equilibrium rod is horizontal. Equilibrium में rod यहाँ पे horizontal है और question पूछा है find time period of small angular oscillations ऑफ रॉड। हमको रॉड के स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना, अगर रॉड को थोड़ा सा टिल्ट किया, ऑसिलेट किया तो। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो अंडरस्टूड है इस पर डाउनवर्ड एम जी सेंटर पे एक्ट कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स कुछ ना कुछ की एच एक्ट कर रहा होगा, फिर एच इज द इनिशियल एलोंगेशन इन स्प्रिंग। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है, और क्योंकि ये एंगुलर एसएचएम है, रॉड पाइवट पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर एसएचएम करेगी, तो यहां पे हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड वी यूज, अगर हम यहां रॉड के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहां पे हमें कह सकते हैं mg मल्टीप्लाइड बाय l बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू kh मल्टीप्लाइड बाय l। तो mg का जो टॉर्क लग रहा है पाइवट के अबाउट क्लॉकवाइज, वो स्प्रिंग फोर्स के टॉर्क से बैलेंस हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और यू कैन से द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग। आफ्टर दिस हम इस रॉड को क्या करेंगे, यहां से थीटा टिल्ट कर देंगे और छोड़ देंगे और रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी आर रीचिंग टू दिस पॉइंट, सो व्हाट विल बी डूइंग हियर, यहीं पे ही इसको आई कैन सॉल्व इट। इन दिस केस व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, रीस्टोरिंग टॉर्क अगर कैलकुलेट करें रॉड के थीटा टिल्ट होने के बाद, तो स्प्रिंग का टॉर्क एक्ट करेगा और एक एमजी का टॉर्क अपोजिट एक्ट करेगा। तो आई कैन राइट के टाइम्स एच प्लस एल थीटा, एच प्लस एल थीटा इज द टोटल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय एल, माइनस एमजी का टॉर्क विल बी एमजी इंटू एल बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड वी कैन यूज एज एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। सो दिस गिव्स अस द एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ यू केयरफुली हैव अ लुक, के एच एल एंड एम जी एल बाई 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। सो हियर अल्फा वैल्यू वी आर गेटिंग इज के एल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर बाई 3। सो दिस गिव्स अस 3 के बाई एम टाइम्स थीटा, और माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि व्हेन यू राइट द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स, यहाँ पे माइनस साइन कभी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स में माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस किया, एंड देन कंपेयरिंग विद अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा गिव्स अस द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज रूट ऑफ 3 के बाई एम। सो हियर वी आर गेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाई ओमेगा, दिस 2 पाई रूट ऑफ एम बाई 3 के। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑल्दो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। दिस अ वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, कंफर्टेबली निकाला, बट जेई एडवांस में इतने भी बेस लेवल पे नहीं आते क्वेश्चन, थोड़ा सा इनडायरेक्ट आते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लेवल पे पूछा जा सकता है, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्वीकिंग भी होती है, इनडायरेक्ट भी होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन अनदर सिचुएशन, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स केस है, ये कहीं ट्वीक किए हुए केसेस हैं जिस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में आ जाते हैं। एक स्प्रिंग है विद फोर्स कांस्टेंट के, और स्प्रिंग से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो एक सिलेंडर पे से पास हो रही है, दिस इज अ सिलेंडर, और दूसरी तरफ एक मास एम हैंग हो रहा है। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ मास एम। अब यहाँ जो समझने की चीज है, थोड़ा सा हमको केयरफुली एनालाइज करना होगा कि जब ये ऑसिलेट करेगा, और क्योंकि सिलेंडर का मास और रेडियस भी गिवन है, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं भी है तो हम ये मान के चलेंगे इसकी सरफेस रफ है और स्ट्रिंग की वजह से ये भी एंगुलर ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि जब ये अप डाउन होगा तो सिलेंडर भी ऑसिलेट होगा। अगर ये स्मूथ सरफेस दी हुई होती तो सिलेंडर के मास और रेडियस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, डायरेक्ट हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट एम बाई के कर देते। अब देखो यहाँ पे वी कैन राइट इफ सिलेंडर सरफेस इज स्मूथ,
आप बिना कुछ किए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के लिख सकते हो, क्योंकि जो स्प्रिंग है बस इसकी स्ट्रिंग की डायरेक्शन चेंज करने के काम आ रहा है सिलेंडर, और फाइनली इट इज ऑसिलेटिंग. तो इट इज एक्चुअली वी कैन कंसिडर द मास इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड ऑसिलेटिंग, ये काम वहीं खत्म हो जाए. बट अगर यहाँ पे हम ये लेते हैं इफ सिलेंडर सरफेस इज रफ, जो कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो रफ ही लेना है आपको, बिकॉज इस एम और आर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा. नाउ इन दिस केस एट इक्विलिब्रियम इफ, अगर हम ये लेते हैं कि स्प्रिंग एक्सटेंशन एक्स नॉट है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे टेंशन इज के एक्स नॉट, यहाँ टेंशन इज एम जी, तो के एक्स नॉट इज बैलेंसिंग एम जी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन से अगर हम x नीचे पुल करते हैं तो स्प्रिंग भी x एलोंगेट हो जाएगा, यहाँ टेंशन आ जाएगी T1, यहाँ पे टेंशन होगी T2, और T2 का वैल्यू आप लिख सकते हो k टाइम्स x प्लस x नॉट, क्योंकि द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्प्रिंग. ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, कोई भी स्ट्रिंग अगर एक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो स्ट्रिंग टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही होता है. ये मैंने अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि इसको नीचे x एक्सटेंड किया है तो ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन a. अगर ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये सिलेंडर में भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, विच वी कैन राइट एज a बाई r, क्योंकि सरफेस पे टेंजेंशियली स्ट्रिंग लिपटी हुई है. अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स जब बात करेंगे फॉर m एंड स्मॉल m, तो m तो ऊपर जा रहा है, तो विल राइट t1 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma. और सिलेंडर की अगर लिखोगे तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क हैज टू बी मोर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो विल राइट के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट, ये वाला तो इधर है मल्टीप्लाइड बाय आर, और अपोजिट टॉर्क इज टी वन, दिस इज टी टू एक्चुअली, दिस वैल्यू इज टी टू, टी टू आर माइनस टी वन आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल राइट हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए बाई आर, दिस सेकेंड इक्वेशन. यहां से आप इस r को कैंसिल कर सकते हो, इफ यू एड द टू इक्वेशन t1 विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल m बाई टू टाइम्स a, और यहाँ पे के एक्स नॉट और एम जी फ्रॉम इक्वेशन वन कैंसिल हो गए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया हमारे पास 2k अपॉन 2m प्लस कैपिटल m टाइम्स x. सो इफ दिस द एक्सेलरेशन, माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे विद ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड कॉम्बिनेशन गिव्स ओमेगा इज रूट ऑफ टू के बाई टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सो टाइम पीरियड विल बी टू पाई रूट ऑफ टू एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टू के, दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत आराम से वी हैव मैनेज्ड इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. ये तो मैंने मैकेनिक्स के एक दो केसेस लिए हैं, बट देर आर एम्पल नंबर ऑफ केसेज विच आई एम लिविंग इट टू यू, क्योंकि चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो, सारे केसेज आपको डायरेक्टली हैंडल करने हैं. एस एच एम के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी एस एच एम हो सकता है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में पिस्टन से भी हो सकता है. ये तो मैं फिर से सजेस्ट करूँगा आप लोग सिंपल हारमोनिक मोशन का जो एडवांस इलस्ट्रेशन सेक्शन है, दिस बुक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, मैं इस बुक में आपको रेफर भी करके बता देता हूँ, ताकि यू शुड बी अवेयर ऑफ कि कितने पॉसिबल केसेस इस बुक में दिए हुए हैं. तो एक बार कोई रेफर कर लो, और अगर बुक नहीं खरीदी है तो अब लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आप हमारे चैनल से ही फॉलो कर सकते हो, और सारे इलस्ट्रेशंस यू कैन वॉच और फाइनल स्क्रीनशॉट्स पे यू कैन फोकस एंड क्विकली रैप इट अप. So finally I've got the illustrations in simple harmonic motion. Have a look. Simple harmonic motion ki 24 illustration is book mein given hai. So ye 24 illustration if you just go through it, I can tell you ki iske alawa SHM mein koi major case bachta nahi hai. Most of the content will be aligned to this. Jo bhi questions aayenge directly indirectly yahan align ho jate hain. So SHM mein ek case aur main kehna chahunga as a homework, to aap ye maan ke chaliye homework aapke yahi hai. 24 एडवांस इलस्ट्रेशन जिनको आपको फोकस करना है, और एक चीज और आपको करनी है, दैट इज टेलर्स थ्योरम. टेलर्स थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस भी आपको पीआईएम वीडियो सीरीज में मिल जाएंगे. पीआईएम वीडियो
of PG. इसको जरूर देख लें, एक सिंगल वीडियो दैट एक्सप्लेन लॉट ऑफ केसेस यूजिंग टेलर्स थ्योरम, आप बहुत आराम से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं और बहुत क्विकली कर सकते हैं। जी एडवांस 2020 में और उससे पहले भी बाद में भी आते रहेंगे, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीएम वीडियोस में, इससे रिलेटेड भी हैं और इसके अलावा भी जो टेलर थ्योरम से बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। तो आई स्ट्रांगली रेफर किए दोनों चीज़ें ज़रूर कवर अप कर लें। एक केस और एसएचएम में है, बाय यूजिंग एनर्जी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी लेवल को एक बार और देख लेते हैं। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट एसएचएम में एक और लास्ट केस हम लेते हैं, देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स the checklist points and concepts, important concept related to wave motion. So energy method is a very useful method जिसमें हम क्या करते हैं, to calculate time period of SHM whether linear or angular, दोनों cases के अंदर this is valid, linear हो या angular हो. In such case what we do, we write energy of SHM, kinetic energy in translational motion plus kinetic energy in rotational motion plus potential energy with respect to reference, and then what we do, we differentiate this dE by dt, total energy of SHM ko differentiate karte hain, we equate it to zero because during SHM the energy remains constant. Aur ye wali jo equation hai, equate kara humne zero se, this automatically gives you A is equals to minus omega square x, or in angular motion it gives alpha is minus omega square theta. Either of this directly comes from this equation. That's what you need to understand. Let me take some cases by which this will be managed comfortably or hamari understanding bhi build ho jaye. Thank you Bhaji. So student, the same question hum solve karte hain by using energy method. In this case r radius ka cylinder hai, capital M mass hai, spring constant k given hai, और इस मास को फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ये कह सकते हैं, अगर स्प्रिंग एक्सटेंशन एक्स नॉट था, सो एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट वाज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसको हमने क्या किया, ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो जब ये एक्स डिस्प्लेस्ड है अपनी पोजीशन से, इट इज गोइंग डाउन विद द स्पीड वी, तो जो सिलेंडर है वो चल रहा होगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, विच कैन बी रिटन एज वी बाई आर बिकॉज दिस वी इज अटैच टू अ स्ट्रिंग टेंजेंशियली रैपिंग ओवर द सिलेंडर। Now in this case, if we write the total energy of SHM, यहाँ पे लिख सकते हैं total energy of SHM is equals to block की होगी half small m v square plus cylinder की होगी half I omega square plus spring की होगी half k x plus x naught whole square, और reference position जो अपनी consider करी हमने equilibrium position, उससे एक्स नीचे है तो वी कैन राइट माइनस एम जी एक्स, एंड दिस शुड रिमेन टोटल कॉन्स्टेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ ऑसिलेशन। तो हम अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके करेंगे जीरो। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट, पहले तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को रीराइट कर लेते हैं, दिस शुड बी हाफ आई इज हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा इज वी बाई आर होल स्क्वायर, दिस व्हाट विल बी कंसिडर्ड इन प्लेस ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट टू गेट्स कैंसिल आउट, is mv dv by dt plus here again r square gets cancelled out, 2 gets cancelled out, so it will be half capital mv dv by dt plus here if you differentiate 2 gets cancelled out, this k times x plus x naught multiplied by dx by dt minus mg dx by dt is equals to zero. So this is the equation we are getting. If you carefully see, mg is equals to kx naught, so this x naught and mg gets cancelled out, what we are getting, and one v also gets cancelled out, this, this and this, so this is giving us m plus capital M by 2 times dv by dt is acceleration plus kx is equal to zero. So acceleration is giving minus k upon 2m plus capital M twice multiplied by x. So this term is the representation of omega square. This implies value of omega is root of 2k by 2 small m plus capital M. Exactly the same result we have just now analyzed and saw in case of normal traditional method of solving the question. Just see,
यहाँ पे हमने डायनामिक्स इक्वेशन से ओमेगा का वैल्यू ये निकाला था, या एनर्जी मेथड से ओमेगा का वैल्यू ये है, एंड दिस नॉट ओनली वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इन ऑल द केसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर एवर एनर्जी इज नॉट डिसिपेटिंग यू कैन से एनर्जी मेथड इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लूंगा केसेस, एस एच एम की वैरायटी को समझने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड आप एडवांस इलस्ट्रेशन बुक से या हमारे चैनल के एडवांस इलस्ट्रेशन पे, देर आर 24 इलस्ट्रेशंस गिवन व्हिच कैन बी कवर्ड विद इन ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 2 hours, वो जरूर कर लें ताकि एस एच एम का पूरा एडवांस लेवल पे आप अपने आप को बिल्डअप कर सकें, दैट्स एसेंशियल। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट एस एच एम का एक लास्ट पॉइंट और है वेयर वी कंक्लूड दिस चेकलिस्ट ऑन एस एच एम। It says oscillations of a particle and potential well both common sa system hai, and what do we mean by a potential well that we need to understand. Agar kisi bhi region mein position or potential energy function is tarah ka ban jata hai jahan pe ki there is a point where potential energy is equals to zero, and here you can see there is also the point where du by dx is also equal to zero, slope is horizontal. So this is the position where force is zero, because the gradient of potential energy or derivation of potential energy with position we define as force acting on a particle. So if this is the potential energy curve for a particle, that means this looks like a parabola or a kind of shape which is looking like a well. तो इसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो दैट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन, बिकॉज व्हेन यू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल टू नियर बाय लोकेशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रोज, सो इट हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू द लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। सो व्हेन इट विल कम बैक टू लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल ओवरशूट, जैसे जैसे आगे जाएगा फिर वापस से रुकेगा फिर आएगा, एंड इनडेफिनेटली ऑसिलेशंस विल गो ऑन इफ द केस इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। ऐसे केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट करें तो रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी इक्वेटेड और कंसीडर्ड एज प्रोपोर्शनल फंक्शन ऑफ पोजीशन, जब भी वो प्रोपोर्शनल आएगा तो दिस कैन बी रिगार्डेड एज एस एच एम। तो देर आर वराइटी ऑफ केसेज फ्रेम्ड ऑन दिस, जैसे मैं एक सिंपल सा केस ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is given as u is given as u naught 1 minus cos bx, where b is a constant, u naught is a constant. Find time period of small oscillations of particle in the neighborhood of इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन के नेबरहुड में हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो वॉट वी कैन डू, सबसे पहले हम फोर्स ऑन पार्टिकल निकाल लेंगे। फोर्स विल बी माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस साइन तो जिस डायरेक्शन इंडिकेट करा है, फिर डिफरेंशिएट दिस गिव्स माइनस कॉस के बी एक्स, डायरेवेटिव विल बी बी साइन बी एक्स, सो दिस यू नॉट बी साइन बी एक्स। In this case, for x to be small, here we use force can be written as u naught b multiplied by bx, because sine theta can be written as theta for small theta. So, agar yahan x is small, assuming b is also small, so iska derivative next kya de dega humko? Ye de dega. This is equals to u naught b sine bx will be written as bx, so acceleration will be f by m, this will be u naught b square by m times x, negative sign we need to introduce because this is restoring acceleration, so comparing with a equal to minus omega square x, this gives omega is equals to root of u naught by m times b, this is the omega, and correspondingly we solve the case and get the result. Is tarah ke bahut sare cases aapke samne aayenge, main sirf ek case liya hai just to make you aware about ki you should not escape anything. Baki cases aapko ye same question pg book mein bhi milega, advanced illustration mein milega, is tarah ke aur bhi milenge. So student, as far as oscillation and waves
is concerned, this part one checklist I conclude over here. और part two के हम बात करेंगे string sound waves के बारे में, और string sound waves का सारा major part will be covering up in the second checklist. Stay tuned with the booster checklist videos to have a quick review of for enhancing your brain and make yourself ready for JEE Advanced. Wish you all the best.